हे गाइस, आप सभी का स्वागत है सुषमा ऑटो वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के कुछ सुपर शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर आप एमएस वर्ड में काम करते हो और अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको ये शॉर्टकट कीज जरूर आनी चाहिए। अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हो वो भी विदाउट यूजिंग सेफ ऑप्शन, आप डायरेक्ट इसे कीबोर्ड से भी कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको अपने कीबोर्ड में टी बार माइनस प्रेस करना है एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई है। अगर हम इस लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई ऑप्शन का यूज नहीं करना है। आप जस्ट अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर को 3 बार प्रेस करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन थोड़ी मोटी हो गई है। इसी तरीके से अगर आपको स्टार वाली लाइन लेनी है तो आप 3 बार स्टार को प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ एंड देन एंटर। हैश की का यूज करके भी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ 3 बार हैश की प्रेस करना है, एंटर पे क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरीके से आप आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप पैराग्राफ को टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आप रैंडमली पैराग्राफ को ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में इक्वल टू को प्रेस करना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रेंट। यहाँ पर आपको कितने नंबर्स ऑफ पैराग्राफ चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे अगर हमें 3 पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे। कितनी लाइन में चाहिए आप वो भी यहाँ पर शो कर सकते हो। जैसे हमें 5 लाइन वाली पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर। तो हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ आ गई है। आप इस तरह से रेंडर पैराग्राफ लाकर किसी को कुछ भी समझाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप समझा सकते हो। अगर आपने किसी पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग का यूज किया और सेम वही फॉर्मेटिंग आप किसी और पैराग्राफ में कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग की है, ये सेम फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पैरा में भी हो जाए तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पर किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन फॉर्मेट पेंटर में जाना है। ये सेम फॉर्मेटिंग हम दूसरे पैराग्राफ में चाहते हैं। जिस भी सेंटेंस तक चाहते हो या जिस वर्ड में आप चाहते हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ से माउस को छोड़ देंगे तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी लग गई है। तो आप आसानी से किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। आपको दोबारा से उसमें सेम फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत बार होता होगा जब हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में टाइप करना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, लाइक जैसे हम टाइप कर रहे उसके बाद अगर हमें हिंदी टाइप करनी है तो हम फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से हिंदी के फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर हम टाइप करेंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। आप बार बार इंग्लिश टाइप करोगे फिर हिंदी टाइप करोगे, फॉन्ट चेंज करना पड़ता है बार बार। तो इसके एक सुपर ट्रिक्स है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। आप यहाँ फाइल में जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कस्टमाइज रिबन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेवलपर का, इसे हमें चेक कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हमें मैक्रोस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, बटन एंड कीबोर्ड। यहाँ पर हम कीबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज देना है तो आप कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया कंट्रोल के साथ 2। यहाँ पर आपको असाइन पे क्लिक करना है, इसे हम क्लोज कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको होम में जाना है और यहाँ से आपको हिंदी वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इसकी कितनी फॉन्ट रखना चाहते हो नंबर सेलेक्ट कर लोगे, लाइक हमें 16 पे काम करना है। यहाँ पे हमने 16 को सेलेक्ट कर लिया है एंड देन आप डेवलपर ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेनी है। अब हम जैसे टाइप करते हैं, अब हमें वापस से फॉन्ट में जाकर हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने जो शॉर्टकट कीज डाला था, लाइक हम यहाँ पर कंट्रोल या 2 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी फॉन्ट आ गई है। अब आप डायरेक्ट हिंदी टाइप कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आई होप गाइस आज जो मैंने शॉर्टकट कीज आपके साथ शेयर किया है वो आपके काफी यूजफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।